पांच बार का आईपीएल खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस ने सीजन अपने निराशाजनक प्रदर्शन से सबको काफी हताश किया है। आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एमआई एक भी मैच जीत नहीं पा रही है। ऐसा आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुंबई 6 मुकाबले खेलने के बाद भी 2 अंक अर्जित नहीं कर पा रही है, यानी एक मुकाबला तक नहीं जीत पा रही है। अब आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में क्वालिफाई करना लगभग नामुमकिन है, वैसे नामुमकिन में भी मुमकिन सब छुपा है, यानी कि एक देखा जाए मैथमेटिकली तो वो प्लेऑफ में जगह बना सकती है, लेकिन अब उसे वो करना होगा जो आईपीएल इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। जी हाँ, टीम को अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो अपने सारे मुकाबले तो जीतने ही पड़ेंगे, लेकिन बेहतर रन रेट भी करनी पड़ेगी। अब कोई करिश्मा ही मुंबई इंडियंस को सीजन में वापसी करवा सकता है, लेकिन मुंबई इंडियंस की सीजन में फ्लॉप होने के 3 सबसे बड़े कारण क्या है, जिनको अगर मुंबई काम कर लेती है तो वो अच्छी वापसी भी कर सकती है। आइए एक एक करके जानते हैं मुंबई इंडियंस के उन 3 बड़े कारणों पर जहां वो फ्लॉप नजर आती है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुंबई इंडियंस का यह सीजन बहुत ही खराब जा रहा है। शुरुआती के 6 मुकाबले हारने के बाद ये टीम अब लगातार हार का ही शिकार बन रही है। मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो बचे हुए 8 मुकाबले तो जीतने ही होंगे और कहीं न कहीं बेहतर नेट रन रेट भी करनी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई को इन 3 फील्ड में काम करना होगा। रोहित को इन 3 चीजों पर ध्यान देना होगा और यही 3 गलतियां बार बार रोहित की इस बार प्लेऑफ में जगह नहीं बनवाने का कारण बन रही है। आइए एक एक करके जानते हैं मुंबई कहां हो रही है फ्लॉप। 3 बड़ी वजह। नंबर 3 पर आ रहा है, मुंबई इंडियंस के लिए लगातार 2022 में सबसे बड़ी परेशानी का सबब रहा है उनके बल्लेबाजों का लगातार फ्लॉप होना। एमआई के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा इस सीजन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तक उनके बल्ले से एक भी बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है। वो अक्सर इस सीजन पावर प्ले में ही खराब शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसके अलावा अगर देखा जाए तो ईशान किशन जिन्हें 16 करोड़ रुपए के आसपास रकम में खरीदा गया, कायरन पोलार्ड जो इस टीम के बेहतरीन फिनिशर कभी हुआ करते थे, वो भी बल्ले से इतने असरदार तो साबित हो ही नहीं रहे हैं। हालांकि ईशान किशन ने पहले 2 मुकाबलों में लगातार 2 अर्धशतक जड़े थे, लेकिन उसके बाद उनका बल्ला तो खामोश नजर आ रहा है। इन स्टार बल्लेबाजों का न चलना मुंबई इंडियंस को इस सीजन काफी भारी पड़ रहा है। एमआई को लगातार 6 मैच में हार का ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। हमारे इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर मुंबई की सबसे बड़ी कमजोरी मुंबई के सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि गेंदबाजों ने भी काफी निराश किया है। खासकर टीम के तेज गेंदबाज इस सीजन काफी फीकी नजर आ रही है। पिछले सीजन एमआई के लिए तेज गेंदबाज डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखा रहे थे, लेकिन इस सीजन बुमराह के जोड़ीदार न होने की वजह से एमआई का तेज गेंदबाजी यूनिट काफी फीका पड़ता नजर आ रहा है। बोल्ट की भरपाई के लिए मुंबई ने टीम में टाइमल मिल्स और डैनियल सम्स को ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन ये पैंतरा एमआई का बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। हालांकि मुंबई इंडियंस के पास ऑक्शन में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को खरीदा था, लेकिन इंजरी के चलते आर्चर इस सीजन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। यह भी मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जिसका खामियाजा टीम को इस सीजन भुगतना पड़ रहा है। और हमारे इस लिस्ट में पहले पायदान पर मुंबई की सबसे बड़ी गलती आईपीएल के 15वें संस्करण में मुंबई इंडियंस की फील्डिंग भी काफी निचले स्तर की रही है, जिसका सीधा असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ रहा है। एमआई ने इस सीजन काफी मिस फील्डिंग की है और कई रन आउट और कैच भी मिस किए हैं। आपको बता दें कि क्रिकेट की यह एक बहुत पुरानी कहावत है, कैचेस विन मैचेस, यानी कैच पकड़ोगे तो मैच जीतोगे, लेकिन एमआई इस सीजन यह भी करने में बखूबी नाकाम रही, जिसके चलते टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पा रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि मुंबई इंडियंस के आईपीएल मेगा ऑक्शंस 2022 में खराब प्रदर्शन का असर अब सीधी टीम के गेम पर देखने को मिल रहा है। एमआई का ऑक्शंस काफी चौंकाने वाला जा रहा था, हर कोई उनके खिलाड़ी को खरीदने की रणनीति से हैरान था, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी या फिर मुंबई इंडियंस किसी और डिपार्टमेंट में भी फ्लॉप हो रही है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।